Good morning to all. Today we are going to read and understand first chapter of your history book. And name of the chapter is Tracing Changes Through a Thousand Years. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज टॉपिक को अच्छे से रीड किया था. इस वीडियो में हम हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज को अच्छे से रीड हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आर कॉइंस, आर्किटेक्चर, इंस्क्रिप्शंस, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स. देखिए, जो मेजर सोर्सेस थे कब हिस्टोरिकल, जो हिस्ट्री की हमें क्या देते थे, इंफॉर्मेशन देते थे, तो उनमें क्या क्या हो सकता था. कॉइन्स थे, कॉइन से हमें पता चल जाता था कि कौन से समय का कॉइन्स है और किस लिए चलाया गया, किसने चलाया. आर्किटेक्चर के द्वारा भी हम बहुत सारी चीजें जानकारी ले सकते थे. इंक्रिप्शन से भी और टेक्सुअल रिकॉर्ड से भी हम बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. 700 AD to 1750 AD Raise in textual records, easy availability and low cost of paper. जो 1700 से 1750 का जो वर्क समय था, कौन सा पीरियड था, मैनुअल पीरियड था. तो ये इसमें बहुत सारी चीजें हमें रिकॉर्ड्स के रूप में भी मिली. इजी अवेबिलिटी एंड लो कॉस्ट ऑफ पेपर. तो ये जो टाइम था 700 to 1750 वाला, इसमें लोगों ने क्या किया कि सबसे ज्यादा वर्क जो था पेपर पे करना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि जो पेपर था ना वो बहुत कम, मतलब लो कॉस्ट में मिल रहा था और बहुत ज्यादा मात्रा में इजी तरीके से उन्हें आसानी से मिल भी रहा था. तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, इसमें पेपर वर्क को यूज करना शुरू कर दिया था. मैन्युस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. अब ऐसा नहीं था कि पेपर पे वर्क करना शुरू कर दिया था जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो खत्म हो गई. नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट जो थी उनमें वो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी गई थी वो क्या करते थे, वो सिर्फ किसी एक खास चीजों के लिए लिखा जाता था. जो कहाँ रखी गई, जो मंदिर में रखी गई, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे रखी गई, और जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए इस तरीके से लिखा जाता था. लेकिन सबसे ज्यादा यूज किसका हो रहा था, पेपर का हो रहा था. नो प्रिंटिंग प्रेस, स्क्राइब्स, कॉपीड बाय हैंड, सम चेंजेस एंड मिस्टेक्स. देखिए, अब पेपर वर्क हो रहा था, पेपर पे ज्यादा काम किया जा रहा था, तो उस टाइम कोई भी क्या नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं इंडिया में. तो क्या करते थे, जो स्क्राइब्स होते थे ना वो हाथ से लिखना शुरू कर दिया उन्होंने. यानी जो कॉपीज बनाई जाती थी, जैसे एक बुक लिखी गई है तो उसकी कॉपीज बनानी है, तो वो स्क्राइब्स क्या करते थे, अपने हाथ से लिखते थे. लेकिन उसमें क्या था, वो एक्यूरेट बिल्कुल वही नहीं लिखी जा सकती थी जो वो पहले से लिखी गई थी. क्यों? क्योंकि अब हम हाथ से लिख रहे हैं तो कहीं दो लाइन में मिस्टेक हो गई, तीन लाइन में मिस्टेक हो गई, फिर दोबारा लिखा, फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई. तो ये कह सकते हैं कि जो हम कॉपी से कॉपी कर रहे थे, हैंड से यानी राइट कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई और उसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए. तो इसलिए जो हिस्टोरियंस थे ना वो ये मानते थे कि जो बुक्स लिखी गई हैं वो क्या है, स्क्राइब द्वारा हैंडराइट की गई है, तो उसमें क्या है, वो चीज नहीं है एक्यूरेट. उसमें भी क्या हो चुका है, थोड़ा बहुत चेंजेस या मिस्टेक्स हैं. और जो मैनुअल पीरियड होता था ना उसमें बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे थे जिन्होंने उन बुक्स को लिखना स्टार्ट किया. स्क्राइब्स जो थे वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बुक्स को लिख रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, एक कॉपी को ही कई बार चेंजेस करने पर चेंजेस हो रहे थे, तो बार बार मिस्टेक्स हो रही थी. तो क्या होता था, उसको हम ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से नहीं मान सकते थे. यानी जो लिखी गई है वो हम ओरिजिनल नहीं. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू.